अजनी इलाके के कुख्यात गुंडों की टोली ने अपने प्रतिद्वंदी गुंडे को किडनैप कर घुड़केश्वर के जंगल में उसकी निर्मम हत्या कर दी। आरोपियों ने शनिवार के दोपहर ही युवक को टू व्हीलर गाड़ी में किडनैप कर लिया था, जिसके बाद ही युवक की हत्या का संदेह जताया जा रहा था। आखिरकार 30 घंटे के बाद रविवार की रात क्राइम ब्रांच यूनिट 4 और घुड़केश्वर पुलिस की टीम को सुनसान जगह पर उसका शव मिला। मृतक का नाम नाइक नगर निवासी सनी दामोदर जांगिड़ है, जबकि आरोपी में अजनी की कुख्यात रामटे के गैंग के प्रशील जाधव, ललित रेवतकर समेत अन्य दो का समावेश था। आरोपी का पता लगाने के लिए क्राइम ब्रांच की टीम लगी हुई थी। इनमें से एक आरोपी को घुड़केश्वर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 3 आरोपी ने अजनी पुलिस जाकर आत्मसमर्पण किया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कुछ दिन पहले मृतक सनी दामोदर जांगिट ने मुख्य आरोपी मोनू जाधव के भाई सुदर्शन जाधव पर 20 मई को हमला किया था और उसके सिर और हाथों पर चाकू से कई गंभीर वार किए थे, लेकिन अजनी पुलिस ने अपराध आईपीसी धारा 307 के तहत मामला दर्ज न करते हुए आईपीसी की धारा 326 के तहत मामला दर्ज किया। इसके बाद कुल्हाड़ी से मृतक ने फरवरी 2020 में आरोपी ललित रेवतकर पर हमला किया था, इसलिए दोनों आरोपी ने उसे मारने का फैसला किया और अपने दो साथीदारों के साथ मिलकर उसके अपहरण की योजना बनाई। दोनों अपराधी अजनी पुलिस स्टेशन में रजिस्टर्ड है। इसके बाद अन्य मुख्य आरोपियों को अजनी पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया और उन पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई नहीं की और ढिलाई बरती। पुलिस की ओर से प्रतिबंधात्मक कार्रवाई नहीं करने से और सही तरीके से जांच नहीं करने की वजह से इस तरह मृतक की हत्या हुई। अगर अजनी पुलिस सही तरीके से पिछले मामलों में कार्रवाई करती तो यह घटना शायद नहीं होती। इस मामले में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने सही तरीके से जांच की तो अजनी पुलिस के कुछ पुलिस कर्मचारी तथा अधिकारी पर गाज गिर सकती है। 24 तास के लिए रितेश बोरकर की रिपोर्ट।